नमस्ते दोस्तों, अच्छी खबर है कि कोकिलाबेन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा है कि माय मदर इज हेल्दी बाय ऑल मेडिकल पैरामीटर्स टू गो बैक होम एंड सेल्फ क्वारंटीन हर सेल्फ एट होम फॉर नेक्स्ट 8 डेज एंड शी इज ऑन हर रोड टू रिकवरी एंड सो आर माय ब्रदर राजू, हिज वाइफ रीमा एंड माय नीस वृंदा। इतने सारे थॉट प्रोसेस चल रहे हैं कि कहां से शुरू करूं। तो सबसे पहले तो मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स को, उनके स्टाफ वालों को और उनकी नर्सिस को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी माँ का इस मुश्किल टाइम में बहुत ध्यान रखा, और सबसे ज़्यादा आप सबका। आप सबने मुझे इतना ढाढ़स दिया है, इतना मेरा साथ दिया है, अपनी दुआओं से, अपने बेस्ट विशेस से, अपनी शुभकामनाओं से आपने वाकई मुझे मेरा हाथ पकड़ कर रखा कि फिक्र मत करो, इस मुश्किल की घड़ी में हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारे परिवार के लोगों को। तो बहुत शब्दों में तो इसका बयान करना मुश्किल है कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। मन में ये भी विचार आता है कि उन तमाम परिवार के लोगों में जिनमें कहीं ना कहीं एक परिवार का सदस्य या दो परिवार के सदस्य कोरोना ग्रस्त हैं, वो सडनली बहुत अकेला महसूस करते होंगे। My heart goes out to all those people who have a patient suffering with corona in their houses. That एक natural reaction होता है कि आसपास वाले जितने भी लोग होते हैं वो उनसे थोड़ा सा alienate हो जाते हैं for right reasons, because इस बीमारी का कोई शक्ल नहीं है, एक वायरस है और कहाँ से asymptomatic तरीके से भी आपके शरीर में चला जाता है। तो अपने आप को बचाने के लिए करीबी लोगों से भी हम थोड़ा अलग हो जाते हैं। Suddenly there is a certain distance created by people, rightfully so. तो उन सब के प्रति मेरे मन में ये ख्याल है कि हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए शुभकामनाएं भेजते हैं, प्रार्थना करेंगे कि आप बाकी परिवार के लोग भी सब ठीक हो जाएं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपके सद्भाव के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए।